होटल बना नहीं, पानी की व्यवस्था बनी, बिजली का किया, रोजगार मिला, वो मिला क्या? मिले। यहाँ की जो माइनिंग कंपनियां हैं, जो कुछ लोग हैं जो अवैध खनन कर रहे हैं धड़ल्ले से, उनकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि यहाँ का प्रशासन भी कहीं न कहीं नतमस्तक है। उनके सामने कंपनी लगाई गई थी 6 साल पहले यहाँ पे, जो कंपनी ने वादे किए थे उन पे खड़ी उतरी या नहीं उतरी? नहीं उतरी। क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते। तो खेती बाड़ी करते हो तो कंपनी अगर काम देती आपको तो कम से कम रोजगार मिलता आपको? तो आज बेरोजगार बैठे आप बताइए? बेरोजगार है। अच्छा आप बेरोजगार? आप बताइए बेरोजगार हैं जी। सभी बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे। वास्तव में लोगों का कहना वाजिब बनता है, बिल्कुल अक्की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। वास्तव में कहना पड़ेगा अडेला गाँव के लोगों को और आस पास के जितने भी गाँव है, सैकड़ों युवा आज नौकरी पे होते, चाहे वो गार्ड या चाहे पानी का या ट्रैक्टर ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर। इतना बड़े भ्रष्टाचार का मामला है कि यहाँ लगभग 1500 गाड़ियां पर डे की जो है निकासी है, जिसमें से मुश्किल से 400-500 गाड़ियां बिल की होती हैं, 1000 गाड़ियां जो है नॉन बिल की हैं, जिसका कहीं कोई हिसाब किताब ना सरकार को जाता है, ना ग्राम सभा में आता है, ना ही उस पत्थर का कोई लेना देना। डिप्टी सीएम बेईमान, डिप्टी सीएम जब उसका दादा यहाँ चीफ मिनिस्टर था उस समय भी स्पेशल टैक्स पैड पर लगा दिया था, उन्होंने तो दिखा ही पड़ है। बेईमान एमएलए, उनका काम ही पार चोड़ना है और कोई काम नहीं है उनका। उन्हें तो पहले उन्हें तो सुपने भी होटल पिचोपा मान का पार दिख रहा था उसके दर्दन भी, और उसकी जेल भीतर इसीलिए है भाई। वो भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए किलो से चुनाव लड़ता है वो इसका पार्टनर है, और बड़े बड़े लोग इनके साझेदार हैं। कैप्टन अभिमन्यु इस खान का मालिक है, वो तो बहुत बड़े बड़े आदमी है, वो तो समझते नहीं कुछ, वो तो अपने आप को भगवान मान रहे भाई, लेकिन उनको नाक रखवा देंगे उनकी। यहाँ ये 6 साल से लगातार बोल रहे, लगातार अपने आंखों की सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही है। जब कोई भी ना सुने और कुछ भी ना हो, लास्ट में आकर जो बेजार भूखा मरने की कगार पे आ गया हो, तो फिर वो भूखा जो होता है ना वो काटता है किसी को, वो लठी उठाएगा। बिल्कुल। तो ये लोग लास्ट उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब इनके पास कोई चारा नहीं। रात को 11 बजे रेड मारी थी, सारे के सारे 5 वहां पर गार्ड मिले, 500 गार्ड पूर्व यूपी से बिहार और आगे के थे। क्या ये लोग लायक नहीं है? ये इंजीनियर है, ये पढ़े लिखे हैं, इनमें कलरक भी लग सकते हैं, इनमें गार्ड भी लग सकते हैं, इनकी अपनी गाड़ियां घोड़े हैं, इनके अपने पास ट्रैक्टर हैं। पहले उनको संसाधनों को, ये इनकी लीज में साफ लिखा है कि पहले हम लोकल को देना पड़ेगा, तो देते क्यों नहीं? ये तो सरेआम सीधी लूट है। इन बच्चों ने ये मुहिम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आता है, बेवजह परेशान करता है, इनको उठा के गाड़ी के अंदर डाल लेता है, गाड़ी के अंदर डाल ले जाता है और जाके चौकी के अंदर इन बच्चों की, इन भाइयों की मार पिटाई होती है। इनके ऊपर कानूनी बहुत ज्यादा अत्याचार कर रखा है, प्रताड़ित कर रखा है इनको। इस चीज का भी हमें यहाँ पुलिस भी बिकाऊ है, सब कुछ बिकाऊ है, प्रशासन बिकाऊ है, लेकिन उनको पत्थर खाना है, आदमी मरो। हमारे पास उसका प्रूफ है, आपको प्रूफ देंगे। और बोलने के बाद एमएसके वाले कंपनी ने कहा था कि हम बड़े बगल बिल्ले हैं, ऐसी इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाले, हम पूरे गांव को सुहा भी सकते हैं, कि करोड़ रुपए पर डे कमाते हैं तो पूरे गांव को मरवा भी सकते हैं। उन्होंने इसलिए वही गाड़ियां बाहर से गांव से ले जा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो यहाँ से हमें इसके जैसी कंपनी जा सकती है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है और डंके की चोट में कहती है हमारी साफ सुथरी सरकार है, हम भ्रष्टाचार खत्म करते हैं, पर तो यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का बाप बैठा है अकेला गांव के अंदर। डीसी का भी पेश होया, अपना चौकी भी रिपोर्ट करी, सीटीएम का गया, एसडीएम का गया, डीसी का गया थी, कोई सुनवाई कितने को नहीं हुआ, सब के स्टेट लेवल को सिस्टम सारो भी क्यों पड़े हो। सरकार तो जी लुटेरी है, इनके साथ मिली हुई है और उनके मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होती है, गांव के जो घर हैं उनके सारे घरों में दरें डाई हुई है, तो इस ब्लास्टिंग को छोटी करें, गांव के युवाओं को और गांव के लोगों को पहले रोजगार दें, बाहर के लोगों को बाद में। रात को पूरी रात यहाँ खनन खनन होता रहता है, बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, पूरी रात ब्लास्ट वो मशीन चलती है। यहाँ पे तमाम बुजुर्ग युवा साथी, और युवा क्यों ना हो आज, क्योंकि युवा बेरोजगार बैठे हैं। 75% का वादा किया था कंपनी ने, परंतु कंपनी कहती है हमारी चलेगी यहाँ पे, तुम्हारे जैसे बहुत आए और चले गए, सरकार हमारी, प्रशासन हमारा,
बिल्कुल ये लोग जाए तो कहाँ जाए, सरकार पे इनको भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार के लोग ही यहाँ पे मिले हुए हैं इसके साथ कंपनी में, और मांगने कंपनी कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग आते हैं बहुत जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और धड़ल्ले से यहाँ और लोड गाड़ियाँ जा रही हैं, 12,000 टन पत्थर बाढ़ना चाहिए, 50,000 पत्थर लेके जा रहे हैं, 75% का वादा किया था लोगों ने, बताया रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ 2% भी लोगों को रोजगार नहीं है। पानी की व्यवस्था चौपट है, बिजली की व्यवस्था चौपट है, स्कूल की व्यवस्था चौपट है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में, और चरखी दादरी के अटेला गांव है, और मैं पहले आपको पहाड़ दिखाना चाहूंगा। सुबह से यहां जाम लगाया हुआ है, यहां के लोगों ने, यहां के पंचायतों ने किस चीज को लेकर यहां पे जाम है, यहां पे मेरे साथ यहां ग्रामीण मौजूद है, वो भी उनसे मिलवाऊंगा। वास्तव में ये 24 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज तक इनसे थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी, इन्होंने साफ बताया कि संतरी से लेकर मंत्री तक 24 दिन में गुहार लगा चुके हैं यहाँ अवैध खनन को लेके, परंतु यहाँ की जो माइनिंग कंपनियां हैं, जो कुछ लोग हैं जो अवैध खनन कर रहे हैं धड़ल्ले से, उनकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि यहाँ का प्रशासन भी कहीं ना कहीं नतमस्तक है। उनके सामने प्रशासन बोलता है कि हमारी चलती नहीं है, हम आपका कुछ नहीं कर सकते। जो अवैध खनन माफिया हैं वो धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं, और यहाँ के ग्रामीण बेचारे चुपचाप 24 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, अब जाएं तो कहाँ जाएं। मेरे साथ ये ग्रामीण मौजूद हैं अटेला गाँव के, और लगभग यहाँ से 10-15 गांव मौजूद हैं, और आज इनकी पंचायत हुई है, क्या फैसला हुआ पंचायत में, किस चीज़ को लेकर आगे तक कहाँ क्या कार्य करेंगे, आगे तक कहाँ तक जाएंगे अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ से सोमवीर सांगवानी इनके विधायक, मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, उनका भी 24 दिन के अंदर यहाँ पर आना बनता था, इनके सुनने को बनता था, आखिर ये क्यों नहीं पहुँचे अब तक, इनके बीच इनकी समस्या क्यों नहीं सुनी गई। तो मेरे साथ यहाँ प्रधान मौजूद, सर क्या कहेंगे, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या समस्या है। सर इंद्रजीत सांगवान, जमींदारा छात्र सभा चरखी दादरी का जिला अध्यक्ष होने के नाते, ठीक है, मैं भिवानी पहाड़ मजदूर यूनियन गांव अटेला के जो साथी पिछले 25 दिन से यहां धरने पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, उनके साथ जो है उनके सहयोग के लिए यहां पे मैं आया हुआ हूं। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पहाड़ मजदूर यूनियन, पूरी करो, हमारी मांगे जो साथी यहां पिछले 22 दिन से बैठे हुए हैं, मांगे पूरी करो, उनका जो स्थानीय यहां का रोजगार है, रोजगार का मामला है। इस कंपनी ने माइनिंग लीज लेने से पहले जो है एमओयू किया था कि हम जो है स्थानीय ग्रामीणों को 75% रोजगार देंगे। अच्छा, कौन सी कंपनी ने? एमएसकेजेवी। हाँ जी, ये जो है बहुत पावरफुल लोगों की कंपनी है, जिन्होंने माइनिंग के क्षेत्र में, यहाँ मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार के क्षेत्र में यहाँ झंडे गाड़ रखे हैं, जहाँ इन लोगों ने एक जो क्वांटिटी इनकी जो है 12,000 टन प्रतिदिन की थी, उसके रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए यहाँ कम से कम 50,000 टन पत्थर जो है रोजाना उठाया जाता है, जिसकी बिल्कुल चोरी की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ पहाड़ मजदूर यूनियन अटेला ने यहाँ धरना दे रखा है, और रोजगार का मामला है कि भाई स्थानीय लोगों को जो है रोजगार दिया जाए, स्थानीय जो यहाँ के डंफर हैं, साधन हैं, व्हीकल हैं, उन लोगों को काम दिया जाए। कंपनी यहाँ अवैध माइनिंग कर रही है, और पत्थर चोरी जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, नॉन बिलिंग जिसको बोलते हैं, नॉन बिलिंग का जो मामला है वो इतना बड़े भ्रष्टाचार का मामला है कि यहाँ लगभग 1500 गाड़ियाँ पर डे की जो है निकासी है, जिसमें से मुश्किल से 400-500 गाड़ियाँ बिल की होती हैं, 1000 गाड़ियाँ जो है नॉन बिल की हैं, जिसका कहीं कोई हिसाब किताब ना सरकार को जाता है, ना ग्राम सभा में आता है, ना ही उस पत्थर का कोई लेना देना है किसी मामले से। सर ठीक है, माफी जानू, क्या नाम है? जितेंद्र सांगवान। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो अभी पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, क्या बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, क्या उनको इस बात का पता नहीं है कि अटेला गांव में इस तरीके का बहुत बड़ा पत्थर माफिया पत्थर चोरी कर रहा है धड़ल्ले से, प्रशासन की नाक के नीचे से, तो उनको अब तक पता नहीं है या जानबूझ के अनजान बने हुए हैं? एक्चुअली क्या है ना सर, प्रशासन के हाथ के बिना तो पता नहीं हिलता। ऊपर तक हमने परमिशन लेने की कोशिश की थी, हर जगह लेटर लगाए थे, हर जगह ये बात पहुंचा दी गई थी, यहाँ से 6 साल से अवैध खनन हो रहा है, उसको बंद किया जाए। तो हम ये नहीं मानते कि प्रशासन को ये बात पता नहीं है, क्योंकि जो इस कंपनी के मालिक हैं वो प्रशासन के मौजूदा बंदे हैं,
जिनका सतीश नांदल जी हैं, कृष्ण सांगवान और जगदीश पहल के लड़के सोनू मोनू, हम ये नहीं मानते कि उनका प्रशासन में लिंक नहीं है। अच्छा, वो ये, हाँ, जो नाम बता रही है कौन? ये इस एमएस के जेवी कंपनी के ओनर है। ओनर है, हाँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पंचायत सरपंच हैं यहाँ पर? ना, मैं एक्स पार्षद हूँ। एक्स पार्षद जी, तो आप भली बात ही जानते हैं, राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। मेरी सुन लो, आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे भाई साहब ने, भाई डिप्टी सीएम बेईमान डिप्टी सीएम, जब उसका दादा यहाँ चीफ मिनिस्टर था उस समय भी स्पेशल टैक्स पार्ट पर लगा दिया था, उन्होंने तो दिखा ही पड़ है बेईमान एमएलए, उनका काम ही पार चोड़ना है और कोई काम नहीं है उनका। उन्हें तो पहले उन्हें तो सुपने भी होटेला पिचोपा मानका पार दिख रहा था उसके दस दिन भी, और उसकी जेल भीतर इसीलिए है भाई वो। और पूछ लो के पूछो, अब क्या लगता है सुनवाई होगी नहीं होगी भाई? ऊपर से नीचे तक बरस, सरकार से बड़े हैं ये लोग, ये सरकार से ऊपर बैठे हैं, सरकार को नीचे पहलो दे रोन देंगे भाई। कंपनी के लोग तो उनसे मिले हुए भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए किलो से चुनाव लड़ता है वो इसका पार्टनर है, और बड़े बड़े लोग इनके साझेदार हैं, कैप्टन अभिमन्यु इस खान का मालिक है, वो तो बहुत बड़े बड़े आदमी है, वो तो समझते नहीं कुछ, वो तो अपने आप को भगवान मान रहे भाई, लेकिन उनको नाक रगड़वा देंगे उनकी यहाँ। अच्छा, आपको मतलब ये कितने दिन से हो रहा है ये पूरा झोलमान? भाई चार पीछे पांच साल, जब से भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनी है, जब से ये पहाड़ की लीज दी है, जब से ये शुरू से हो रहा है, लेकिन अब भाई बिल्कुल उन्होंने तंग कर दिया लोगों को। तो पांच साल से आपने धरना प्रदर्शन, अब क्यों बैठे? पांच साल पहले आपके क्यों इंतजार किया भाई? पहले पहले कोई सुनवाई अब हो रही है हमारी, आज भी बैठे हैं, लेकिन अब हमने आस पड़ोस के सभी गांवों में बता दिया भाई, पहाड़ को बचाना है, ये बड़ी प्राकृतिक धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ को बचाया था, पिट के इसका माल भरा था, ये जमीन हमारी है, लेकिन अब क्या करें, पीछे भी कर रहे थे कार्रवाई, बात बनी नहीं, पीछे भी कर रहे थे। सर मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, आप बताइए सर, एक मिनट मुझे ये बताइए कि क्या नाम आपका? मेरा नाम मीतमान है। अच्छा ठीक है, भाई साहब ने बोला अब हम यहाँ पहाड़ को कटने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे, पिटने नहीं देंगे, जिन कंपनियों ने माइनिंग का ठेका ले लिया, जो ले लिया तो वो तो माइनिंग, वो तो उनका तो वाजिब जो बनता है वो तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो वो जो उन्होंने ठेका एक बार ले लिया वो करें, ठीक है, उनको बंद नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। बात ये है कि जितना आपने ठेका ले रखा है उसमें तीन तरह की कंडीशन है, एक तो आपको 12 साल में टोटल इतना पत्थर उठाना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यह है कि आप पर ईयर इतना उठाएंगे, तीसरी कंडीशन ये है कि आपको लगभग एक महीने में इतना पत्थर उठाना है, तो इसका मतलब 12 साल ये पहाड़ चलना है, आप इसको सीधी सीधी भाषा में समझे तो 12 साल जब पहाड़ चलता है तो यहाँ पर दुकान वाले बैठे हैं, यहाँ पर गांव के जो युवा हैं उनको 12 साल रोजगार मिलेगा, जो दुकानें हैं वो 12 साल चलेंगी, और इस पहाड़ का जो उठने का जो धूल, एक तो आप उड़ाइए, यहाँ पर अभी हमने एक ब्लास्टिंग का वीडियो डाला था, आपको भी शायद दिया होगा, वो फिर देंगे हम, अगर आप हजार गुना बड़ी ब्लास्टिंग करेंगे तो पहाड़ पूरा उड़ जाएगा, आप छोटी छोटी ब्लास्टिंग करिए, थोड़ा थोड़ा पत्थर उठाइए ताकि रोजगार सबको चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे, जो यहाँ पर क्रेशर लगा के जो लोग बैठे हैं वो इन गांव वालों के दुश्मन नहीं है, ना गांव वाले उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोग भी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि 6 साल से आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, ये 6 साल से लगातार बोल रहे हैं, लगातार अपने आंखों की सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। अब जब कोई भी ना सुने और कुछ भी ना हो, लास्ट में आकर आदमी बेजार भूखा मरने की कगार पे आ गया हो, तो फिर वो भूखा जो होता है ना वो काटता है किसी को, वो लठी उठाएगा, बिल्कुल। तो ये लोग लास्ट उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब इनके पास कोई चारा नहीं है, अगर घड़ा बिल्कुल भर चुका, घड़ा भर चुका है, अगर सीधी सी बात है कि ना कोर्ट सुनता है, यहाँ पर दोनों अभी हालिया सरपंच बैठे हैं, भूतपूर्व सरपंच बैठे हैं जिन्होंने लीज ली, ठीक है, छोटे मोटे विवाद इनके कासुनी आपस की एक हो सकती है, लेकिन दोनों एक बात पे रजामंद है कि आज सब मिलके कार्रवाई करें और इस पहाड़ को बचाएं। ये पहाड़ है किसका सर? आप पीछे का इसका रिकॉर्ड उठा लीजिए, इनके बुजुर्गों ने, ये जो यहाँ पर अटेला गाँव है, पिचोपा गाँव है, खेड़ी बत्तर गाँव है, खेड़ी बुरा गाँव है, कल्याणा है, या महेंद्रगढ़ में भी जो लीज है, इनके बुजुर्गों ने अपना टैक्स दे दे के, जो सरकार का रहन था वो दे दे के इन पहाड़ों को अपना यहाँ पर बचाया है, ये मिल्कियत सरकार की नहीं है, पहली बात उन्होंने गैर तरीके से इस पे कब्जा कर लिया, फिर इनको आंखें दिखाते हैं, सीधी सरकारी स्कीम में सामाजिक सहभागिता में साफ लिख रखा है कि इनको स्कूल अच्छे देने पड़ेंगे, इनको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनके बच्चों के लिए लाइब्रेरी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इनको सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो चीजें कौन देगा? एक रुपया खर्च नहीं करते हैं, पीछे से मिलके किसी अधिकारी को या किसी को मिलके अपना गालमाल कर लेते हैं, तो वो चीजें अब नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ नाक तक पानी आ चुका, अब से डूबना ही है, तो डूबता आदमी तो हाथ पैर मारेगा, और वो हाथ पैर मार रहे हैं, ये युवा अब चुप नहीं बैठने वाले हैं, सोमवीर सांगवान जी हो,
चाहे कोई एमपी हो चाहे एमएलए हो, सबको आना पड़ेगा। और ये बात 100% है, ये जो भाई नाम ले रहा है ना, ये सारे के सारे इस लूट के हिस्सेदार हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पानी यहाँ पर पहले ही कम है, पानी का दोहन, पंचायती जमीन की लीज ले रखी है, एग्रीकल्चर लैंड की, एग्रीकल्चर लीज है वो, ठीक है। उसमें ट्यूबवेल लगा के उसमें आप एग्रीकल्चर में पानी दे सकते हो, लेकिन उसमें ट्यूबवेल लगा के सारा पानी जो छिड़काव का है, इसमें माइनिंग में जो इस्तेमाल हो रहा है, 3 लाख लीटर पर डे प्लस पानी वहां से दोहन हो रहा है। इनका जो ट्यूबवेल जो सरकार ने जिसपे मीटर लगा रखा है उसको बंद करके रखा है ताकि खर्चा ना आए। खुली लूट है, सरेआम लूट है। और एक और चीज है, जब भी ये प्रदूषण की शिकायत करेंगे और किसी चीज की करेंगे तो प्रदूषण विभाग और खनन विभाग कार्रवाई क्रशर वालों पे करके ही तीसरी कर लेता है। ये कार्रवाई क्रशर वालों पे ना करके इस माइनिंग पे करनी चाहिए। क्रशर वाले तो बेचारे अपना रोजगार पेट पाल रहे हैं, वो कोई बड़े लोग नहीं है, वो तो हमारे में से ही है, हमारी या इनकी या किसी की भी क्रशर वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है माइनिंग से, ये हैवी ब्लास्टिंग से, अवैध पानी जो ले रहे हैं इससे, और जो सामाजिक सहभागिता का पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, 7 से 17% तक है वो पैसा, वो कहाँ क्यों ले रहे हैं। इनका जो लोकल रोजगार है सर, लोकल रोजगार इनके हैं, इनको रोजगार चाहिए। इनकी बजाय रात को 11 बजे रेड मारी थी, सारे के सारे 5 वहाँ पर गार्ड मिले, 500 गार्ड पूर्व यूपी से बिहार और आगे के थे। क्या ये लोग लायक नहीं है? ये इंजीनियर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनमें कलर्क भी लग सकते हैं, इनमें गार्ड भी लग सकते हैं, इनकी अपनी गाड़ियां घोड़े हैं, इनके अपने पास ट्रैक्टर हैं, पहले उनको संसाधनों को, ये इनकी लीज में साफ लिखा है कि पहले हम लोकल को देना पड़ेगा, तो ये देते क्यों नहीं है? ये तो सरेआम सीधी लूट है। जेएसओ वही बात कह रहा है कि उस लूट को रोका जाए, संसाधनों की लड़ाई है ये। मैं आपके साथ लौटता हूं, मेरे साथ अभी बने रहिए। हाँ। रोजगार की बात, जहां तक कंपनी यहां से 6 साल पहले लगाई गई थी, कंपनी लगाई गई थी 6 साल पहले यहां पे, जो कंपनी ने वादे किए थे उन पे खरी उतरी या नहीं उतरी? नहीं उतरी। क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते। तो खेती बाड़ी करते हो, तो कंपनी अगर काम देती आपको तो कम से कम रोजगार मिलता आपको? मिलता। तो आज बेरोजगार बैठे हैं आप, बताइए। बेरोजगार है, बेरोजगार आप? बेरोजगार। अच्छा, आप बेरोजगार? आप बताइए। बेरोजगार हैं जी, सभी बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे। वास्तव में लोगों का कहना वाजिब बनता है, बिल्कुल अक्की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। वास्तव में कहना पड़ेगा अटेला गांव के लोगों को और आसपास के जितने भी गांव हैं, सैकड़ों युवा आज नौकरी पे होते, चाहे वो गार्ड या चाहे पानी का या ट्रैक्टर ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, क्या कहेंगे, बोलिए क्या कहना आपके? ये कंपनी, एक तो अवैध खनन बंद होना चाहिए और अवैध पानी का दोहन हो रहा है बहुत ज्यादा, वो बंद होना चाहिए। और हमारे स्थानीय लोगों को 75% नौकरी होनी चाहिए, और ग्रीन बेल्ट के नाम से यहाँ पर कुछ नहीं करवा रखा, कुछ नहीं करवा रखा। पब्लिक हेयरिंग हुई थी, उसमें पक्का ग्राम के पंचायत के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 75% नौकरियाँ देंगे और पत्थर भी यहाँ लोकल में ही देंगे। गाड़ियों को काम नहीं है, लोकल की गाड़ियों को काम नहीं है, हमारी कोई गाड़ियों को काम नहीं है। 75% हमारी कंपनी ने सारी मांगे बढ़ेंगी, सारी मांगे हैं तो हम तैयार हैं। पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। जनवा बुजुर्ग आदमी है, कितने बच्चे आपके घर में? मेरे चार। चार बच्चे हैं, क्या करते हैं? बेरोजगार। कुछ नहीं, बेरोजगार। 6 साल से पहाड़ आपके घर में कंपनी आई थी, कंपनी आई थी, उस समय कितने खुश हुए थे, सच्ची बताना? खुश हुए थे, खूब है, लड्डू मन में लड्डू फूट रहे थे। रोजगार मिलेगा, पर रोजगार नहीं दिया कंपनी ने किसी को भी। अच्छा। न हमारे सरपंच हैं, उनने भी ये नहीं कहा भाई रोजगार मिलेगा। पहले वाला जो सरपंच थे जिन्होंने दिया था, उनने ये कहा था भी रोजगार मिलेगा। 75% की आमरी है। अब कितने परसेंट युवा नौकरी में आपके यहाँ पे? 2% भी को नहीं, 2% भी नहीं है फिलहाल। मेरा नाम धर्मेंद्र सांगवान है, मेरा नाम धर्मेंद्र सांगवान है। 25 दिन से इन भाइयों ने, इन बच्चों ने ये मुहिम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आता है, बेवजह परेशान करता है, इनको उठा के गाड़ी के अंदर डाल ले जाता है, गाड़ी के अंदर डाल ले जाता है और जाके चौकी के अंदर इन बच्चों की, इन भाइयों की मारपिटाई होती है। इनके ऊपर कानूनी बहुत ज्यादा अत्याचार कर रखा है, प्रताड़ित कर रखा है इनको। इस चीज का भी हमें, यहाँ पुलिस भी बिकाऊ है, सब कुछ बिकाऊ है, प्रशासन बिकाऊ है, बच्चों पे बहुत ज्यादा रोष है। और हमें अपना रोजगार चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए हमें। यहाँ के लोग वास्तव में ही बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। वास्तव में बहुत दुखी है यहाँ के लोग।
कंपनी ने वादा किया था 75% का रोजगारों का, लेकिन यहाँ पे 2% भी रोजगार नहीं है। और यहाँ पे प्रशासनिक आला अधिकारी पुलिस आती है, लोग बोल रहे हैं हमें बेवजह दुखी कर रही है यहाँ पे आके, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं ये लोग। हाँ जी हाँ, हमें भाई साहब हमें यहाँ पे बैठने की अनुमति नहीं दे रखी। हम चरखी दादरी SDM साहब के पास गए थे, माइनिंग ऑफिसर के पास गए थे, हमें यहाँ पे बैठने की अनुमति भी नहीं मिल रही। हम यहाँ पे बैठते हैं तो हमारी पिटाई होती है, हमें उठा के ले जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं। जिसकी लाठी उसके बहस की लाठी, जिसकी लाठी उसके बहस क्या कहोगे? ये तो कंपनी कर ही रही है जी, हम आपको एक ऐसी चीज से अवगत करवाएंगे जो कंपनी पाकिस्तानी मिलिटेंट से भी ज्यादा बुरा हाल कर रही है तीनों गांव या चारों गांव के साथ। जब माइनिंग का जो बारूद आता है ईडी कॉलम और बूस्टर के साथ, वो कॉलम और बूस्टर अलग गाड़ी में आता है और ईडी अलग गाड़ी में आता है। माइनिंग की जो एमएस के कमी जैवी जो क्या करती है, उनको इकट्ठा करके लाती है, वो चाहती है कि गांव में कहीं ब्लास्टिंग हो और पूरा गांव खत्म हो जाए और पहाड़ को हम निकल जाए, पूरा गांव। हाँ, उनकी मकसद यह है, यानी कि उनको पत्थर खाना है, आदमी मरो। हाँ, हमारे पास उसका प्रूफ है, आपको प्रूफ देंगे। और बोलने के बाद MSK वाले कंपनियों ने कहा था कि हम बड़े बगल बिल्ले हैं, ऐसी इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाले, हम पूरे गांव को सुहा भी सकते हैं, कि करोड़ रुपए पर डे कमाते हैं तो पूरे गांव को मरवा भी सकते हैं। उन्होंने इसलिए वही गाड़ियां बाहर से गांव से ले जा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो यहां से MSK जैसी कंपनी जा सकती है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे मांगी पूरी हो, पूरी हो। जो डोटानेटर और जो एक्सप्लोजिव लाते हैं वो एक ही गाड़ी में लाते हैं, बड़ी गाड़ी है इनकी, गांव के बीच से आती है। ये गाड़ी का रोड अलग होना चाहिए, गांव में नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, पत्थर भी मिलना चाहिए भाई, अटेले में पत्थर है ना वो सारा। हाँ, 75% का अटेले में अग्रीमेंट हुआ था DC साहब के सामने, 75% रोजगार का अग्रीमेंट होया था, बेच रहे हैं। और हॉस्पिटल और पानी का अग्रीमेंट होया था, हॉस्पिटल बना नहीं, 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 पानी की व्यवस्था बनी, बिजली का किया, रोजगार मिला, मिला तो मिला क्या, मिला धक्के मिले, धक्के मिले, धक्के मिला जी, बदले में प्रदूषण, गुंडागर्दी मिली जी, गुंडागर्दी मिली, धमकी दी जी, धमकी, गुंडागर्दी पिटवा देगा, प्रदूषण मिला जी, प्रदूषण के सिवा कुछ नहीं, प्रदूषण मिला। हाँ मिली जी, गुंडागर्दी। सबसे बड़ी बात ये है, जो मर्जी में आओ उसने उस तरफ मरोड़ दिए हैं, कुछ को पैसे दे के अपनी तरफ कर ले हैं, कुछ ने ड्रागी कर ले हैं, ये बताओ क्या हो। आंदोलन बड़े बड़े देखे हमने और जनता के सामने झुकते देखे हैं, बड़े बड़े आंदोलन करके लोग, बड़ी बड़ी सरकारें झुकती देखी हैं। चार गांव बहुत दुखी हैं और डंके की चोट में कहते हैं हम, वास्तव में इनका हक इनको मिलना चाहिए। और BJP सरकार बड़े बड़े दावे करती है और डंके की चोट में कहती है हमारी साफ सुथरी सरकार है, हम भ्रष्टाचार खत्म करते हैं, पर तो यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का बाप बैठा है अटेला गाँव के अंदर। जी मैं सर अटेला कला जैनपाल नायक। हाँ, यहाँ पहाड़ के नजदीक मेरी 2 बीघा जमीन है। अच्छा, मैंने 5 साल ये माइनिंग चलने के बाद उसमें कुछ भी नहीं होता, सब्जी बोता हूँ तो नष्ट हो जाती है, गेहूँ बाजरा बोता हूँ तो नष्ट हो जाती थी। और मैं यहाँ MSK में ये मालकवार कंपनी MSK के साथ लगी हुई है। हाँ, इसमें मैं लगा था, मैं हटा दिया गया, मेरे को 10,000 रुपए देते थे, मुआवजा मिला कुछ, कुछ नहीं मिला मेरे को। अप्लाई किया, वो अप्लाई किया तो कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ मैंने उनको, मैंने लाइट मांगा था 1 बल्ब के लिए, वो भी उनको मना कर दिया। जय हिंद सर जी। हमें DC का पेश होया, अपना चौकी में भी रिपोर्ट करी, CTM का गया, SDM का गया, DC का गया जी, कोई सुनवाई कितने को नहीं, सब स्टेट लेवल को सिस्टम सारो भी क्यों पड़े हो। नॉन बिलिंग, यहाँ पे नॉन बिलिंग गाड़ियां भरी जाती हैं और वो गाड़ी अटेला चौकी के पास जाती है तो वहाँ पे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। एक गाड़ी के ऊपर 4.5 लाख से 8.5 लाख रुपए तक उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। वो आम आदमी, आम गाड़ी वाला, उसकी परेशानी होती है, उसके जीने का कोई वो नहीं रह रहा उसका।
माइनिंग ऑफिसर लगता हम भी खा ले और अमीन भी खाण दो सर क्या एक बात कही थी हमें ऑफिस में सही बात करी थी ग्राम पंचायत ने जी रास्ता रोक क्या इसलिए देखो वो गाड़ियाँ नॉन व्हीलिंग की गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ तक सारी नॉन व्हीलिंग मैं फिर प्रिंस नामक को कहूँ थोड़ा कैमरा करके गाड़ियों का लंबा जत्था दिखा दिया जाए यहाँ पे गड़बड़ ही बहुत बड़ा गड़बड़ जाना अगर सरकार वास्तव में कार्रवाई करे तो इस कंपनी पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और मेरे साथ खासकर युवा ज्यादा है तो प्रिंस को कहूंगा युवाओं की तरफ थोड़ा कैमरा किया जाए ये देख लीजिए ये सरकार तो जी लुटेरी है इनके साथ मिली हुई है और उनके मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होती है गांव के जो घर हैं उनके सारे घरों में तरे डाई हुई है, तो इस ब्लास्टिंग को छोटी करें, गांव के युवाओं को और गांव के लोगों को पहले रोजगार दें, बाहर के लोगों को बाद में। रात को पूरी रात यहाँ खनन खनन होता रहता है, बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, पूरी रात ब्लास्ट वो मशीन चलती है, पत्थर फोड़ने वाली मशीन चलती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है, बच्चे न पढ़ सकते न पूरी रात दौड़ जाती है। शायद रात को ब्लास्ट नहीं होता होगा रूल के हिसाब से, रात को ब्लास्ट रात में भी होता है दिन में भी होता है, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक टाइम होता है माइनिंग चलने का, 24 घंटे चलती है, इतना इन्होंने आतंक मचा रखा है गांव में, बीमारियां फैल रही हैं। और मेरे साथ यहां एक नहीं देख लीजिए, मैं फिर दोबारा से दिखाना चाहूंगा यहां पे तमाम बुजुर्ग युवा साथी, और युवा क्यों ना हो आज, क्योंकि युवा बेरोजगार बैठे हैं। 75% का वादा किया था कंपनी ने, परंतु कंपनी कहती है हमारी चलेगी यहाँ पे, तुम्हारे जैसे बहुत आए और चले गए, सरकार हमारी प्रशासन हमारा, तो ये लोग जाएं तो कहां जाएं। यहां पे अटेला गांव में 24 दिन से लगातार धरने से बैठे हैं, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, और लगातार धरना यहां पे जारी है, लेकिन लोग कह रहे हैं संतरी से लेके मंत्री और चपरासी किसे लेके कल रात तक जा चुके हैं और कोर्ट के दरवाजा खटखटा चुके हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन हो तो कहां पे जाएं, सरकार पे इनको भरोसा नहीं है, कह रहे हैं कि सरकार के लोग ही यहां पे मिले हुए हैं इसके साथ कंपनी में, और मांगने कंपनी कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग आते हैं बहुत जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और धड़ल्ले से यहाँ और लोड गाड़ियाँ जा रही हैं, 12,000 टन पत्थर पाड़ना चाहिए, 50,000 पत्थर लेके जा रहे हैं, 75% का वादा किया था लोगों ने, बताया रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ 2% भी लोगों को रोजगार नहीं है, पानी की व्यवस्था चौपट है, बिजली की व्यवस्था चौपट है, स्कूल की व्यवस्था चौपट है। अब CM और PM सुन भी रहे होंगे, शायद ये अगर सुन रहे हैं तो इन लोगों का जल्दी से जल्दी यहाँ पे समाधान किया जाए प्रमुखता के साथ। और इन्होंने कहा कि आने वाले समय सरकार के लिए भी बहुत दुख भरा होगा, बहुत बड़ा आंदोलन भी करने के मजबूर हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।